साढ़े सामने टैंक घूम रहे गलिया के अटैकिंग इन्नी ज्यादा हो रही है। स्टूडेंटा ने यह अपील है भी जल्दी तो जल्दी जो तुम आना चाहते तो हंगरी बॉर्डर तो आओ। पंजाब सरकार ने यह भी थोड़ी लेट ना करो भी तुम बाद चो कोई रिस्पोंस करोगे बाद चो लैके आइए इन्हें कोई होर किसी का मां पुत वगैरह तो कोई हो जाए दुख चो बिछड़ जाए। यूक्रेन विच MBBS दी पढ़ाई करन गया माछीवाड़ा साहिब दा नौजवान विद्यार्थी जगवीर सिंह मुश्किलां दे दौर विचों गुजरते हुए सुरक्षित अपने घर पुजे। जगवीर ने सरकारा अते सियासतदाना वलों यूक्रेन विच फसे भारतीय विद्यार्थियों दी मदद दे दाव्या दी पोल खोली है। उन्हां कहा कि उन्हां दी किसे ने सार नहीं ली, वो खुद अते होर 12 विद्यार्थी अपनी जान ते खेड़ के वापस आए है। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जगवीर सिंह यूक्रेन के MBBS कर रहा तो मेरा 5th ईयर चल रहा है। जिमें थोड़ा तो पता ही है रशिया तो यूक्रेन काफ़ी लड़ाई के मामले बढ़ रहे हैं तो उतरे स्टूडेंटा काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने एक मैं भी हाँ तो मेरे नाल उ काफ़ी परेशानी आई है। एक्चुअली मैं दैनीपुर शहर में रहना तो मैं अटैकिंग वगैरह की काफ़ी आवाज़ा आ रही हैं। जे असी किसी हेल्प की जरूरत करते हैं फोन करते हैं तो सानू कोई रिस्पोंस नहीं मिलता। अंबैसी नूं कॉल करीदी है भी एटलीस्ट सानू इत्थों बस कार टैक्सी वगैरह कुछ बॉर्डर तक जाने की कीती जाए बट वो रिस्पोंस यही देंगे तुसीं वेट करो जब तक सरकार कुछ नहीं करती। उत्थे कि जदों कि टैक्सी भी बंद ने कार्स वगैरह सब बंद ने तो 8 बजे तो बाद करफ्यू लग जाता है तो फिर जिन मैं असी 12 स्टूडेंट ने तो अभी 12 स्टूडेंट अज कल अपने घर आए हैं तो जिन्ना क आए अब सब अपने डिफेंस करके आए हैं। किसी ने साड़ी कोई हेल्प नहीं की, किसी ने कोई सानू बॉर्डर से नहीं पहुँचाया, कुछ नहीं करवाया। ईवन असी फॉर्म भी बहुत भरे, पंजाब सरकार ने भगवंत मान सर ने फॉर्म भरे भी थोड़ा बायोडाटा मैं इतने भेजता उत्थे भेजता, कोई रिस्पोंस नहीं आया ना ही कोई साढ़े लोकल किसी मार्केट से कोई MLA वगैरह किसी ने रिस्पोंस नहीं किया। बट मेन दिक्कत यही है भी उत्थे जिहड़े ज़्यादा स्टूडेंट ने उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, खास करके गर्ल्स में प्रॉब्लम आ रही है बॉर्डर से, उन्होंने कुटमार हो रही है तो लड़के तो किसी ना किसी तरीके मेट्रो स्टेशन वगैरह ले लेंगे हैं तो जी मेन प्रॉब्लम गर्ल्स वगैरह आ रही है। पंजाब सरकार ने थोड़ी यही अपील है भी देखा जाए जिमें कि थोड़ा पता भी उत्तर 2 इंडियन स्टूडेंट की डैथ भी हो गई उन्होंने एक अपना पंजाब का सी भाईचारा भरा जिसे बेचारे की डैथ हुई तो एक कर्नाटक का नवीन सी उनकी भी डैथ हुई है। तो पंजाब सरकार ने यह भी थोड़ी लेट ना करो भी तुम बाद चो कोई रिस्पोंस करोगे भी बाद चो लैके आइए इन्हें कोई होर किसी का मां पुत वगैरह तो कोई हो जाए दुख चो बिछड़ जाए तो थोड़ा अपील बस यही है। असं तो आ गए जिदा आना सी तो बाकी स्टूडेंटा भी थोड़ा जल्दी तो जल्दी कढ़िया जाए। हालात बहुत ही ज़्यादा खराब ने, न्यूकलीयर बंब वगैरह दल चल रही रशिया वालों सारा कुछ अटैकिंग चल रही है, साढ़े सामने टैंक घूम रहे गलिया के अटैकिंग इन्नी ज़्यादा हो रही है। सरकार को बस यही है चैनल के थ्रू यही अपील की जाती है भी बस जल्द से जल्द स्टूडेंटा कढ़िया जाए तो साड़ी जो भी डिग्री का बस देखा जाए जो सिस्टम होता। बॉर्डर से भाई जी कि माहौल है बॉर्डर के उत्ते जो जाते हैं स्टूडेंट या कि माहौल है उत्तर बॉर्डर से? भाई मैं तुम दसदा भी जो पोलैंड बॉर्डर के उत्ते सारे ना पहला ओपनिंग हुई सी स्टूडेंट गए से बट उ मेन प्रॉब्लम 22 तारीख को खारकीव के अटैकिंग हुई थी तो 23 तारीख में जोड़े स्टूडेंट उतो क्रॉसिंग बॉर्डर क्रॉसिंग लिए आते हैं जहाँ पर क्रॉसिंग देश करते भी हाँ भी इतों असं पुर्तगाल जाना या पोलैंड कितने भी जर्मनी वगैरह जाना तो वो सारे उस 23 तारीख में निकल जाते हैं तो बॉर्डर उन्होंने आराम न पोर्स पार करवाया जाता क्योंकि पोलैंड के वैसे भी लगता भी बच्चे काफ़ी मुसीबत है बट वो जो 2 नंबर वाले चलो जाना तो उन्होंने भी चाहिए बट जो वो सारे क्रॉस आए तो हूँ उत्तर इन्ना का माहौल खराब आ भी जो नॉर्मल स्टूडेंट आ उन्होंने कैंप में 22 से 23 घंटे रखे जाता उन्होंने स्टैंप वगैरह देखी जाती पासपोर्ट देखे जाते ईवन स्टूडेंट कार्ड भी मंगया जाता तो जो भी ये बंदा यूनिवर्सिटी के स्टडी करता है रियल है या नहीं है। थोड़ी जी यही अपील है इस करके जो पोलैंड बॉर्डर आ भी थोड़ा खतरे का स्टूडेंटा ने यह अपील है भी जल्दी तो जल्दी जो तुम आना चाहते तो हंगरी बॉर्डर तो आओ। जे तुसी लोकल आ लवीव तो सीधा तुसी रेलवे स्टेशन एक चौक पै रहा उत्थे तुसी उत्थे इमीग्रेशन कराओ उत्थे इमीग्रेशन बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं ईवन उत्थे दे जिहड़े लोग आ वो भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंटा की हेल्प कर रहे टिकट कट के दे रहे खुद ही ट्रेन दी फ्री टिकट आ ते उत्थे खालसा गेट वगैरह तो होर भी काफ़ी सीनियर्स बैठे ने जिहड़े तुहाडे खाण पीण का काफ़ी इंतजाम कर रहे हैं बट स्टूडेंटा ने यह भी हंगरी बॉर्डर तो आने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए और सेफ आ होल आ उ ना थोड़ी बहुत हीटर वगैरह लग रखे कोई ठंड का माहौल नहीं। रोमेनिया तो पोलैंड बॉर्डर भी खुले रखे बट उ रिस्क आ जो तुम सडनली अंदर भी जा सकते हो सडनली तुम 22 से 23 घंटे भी लग सकते हैं और सारा रिस्पोंस उ जी भी अंबैसी आ उन्हों का वा तो थोड़ा अपील है भी हंगरी के बॉर्डर तुम आ सद असी जिन्ना का साडा कॉन्टैक्ट भी है अभी काफ़ी स्टूडेंटा का ग्रुप वट्सएप ग्रुप आ असी लवीव शहर आ उत्तों काफ़ी स्टूडेंटा की बसिस वगैरह भी करवाइया वा चुप चुप तक काफ़ी स्टूडेंट की मैं हेल्प भी की होर साढ़े का काफ़ी कॉन्टैक्ट फेसबुक पर भी पेज आ
तो जे कोई प्रॉब्लम आती तो कॉन्टैक्ट कर सकते, बट अंबैसी भी कॉन्टैक्ट करो। पंजाब सरकार ने बस ये बेनती है भी जल्दी जल्दी स्टूडेंट उतों सेफ ते तरीके नाल बढ़िया तरीके नाल घर लेके आ। इस दे नाल ही जगवीर ने अपना अनुभव साझा करते हुए होरना विद्यार्थियों नूं सलाह भी दी है कि पोलैंड अते रोमानिया दे बॉर्डर उपर खज्जल खुआर होण नालों बेहतर है कि हंगरी बॉर्डर राही भारत आसानी नाल पहुंचा जावे। D5 चैनल पंजाबी लई माछीवाड़ा साहिब तों धर्मिंदर सिंह अते रविंदर सिंह ढिल्लों दी रिपोर्ट। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।